सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों चाहता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो पर उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। खो देते हैं फिर खोजा करते हैं, यही खेल लोग जिंदगी भर खेला करते हैं। आज का पंचांग 3 मई 2021 दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:33 से 9:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मेष राशि 3 मई 2021 दिन सोमवार, आप आसानी से आगे होने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं। आपकी संचार क्षमता भी प्रभावित और नजरिया खुला है, इसीलिए आप जो चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करें। हमेशा गलतियां ढूंढने की फिराक में रहने वाले आक्रामक लोगों के साथ उलझने से बचें। इस समय शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का दिन है। आपने अपनी दिनचर्या से संबंधित जो योजनाएं बनाई हैं, उन पर गंभीरता से अमल करें। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा टालना उचित रहेगा। अपने अंदर के कला गुणों को बेहतरीन बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे। खुद के अंदर संयम बढ़ता हुआ नजर आएगा। भावनाओं को योग्य पद्धति से व्यक्त करने का नजरिया प्राप्त होगा, जिसके कारण आप पर बढ़ता हुआ दबाव भी कम होने की आशंका बन रही है। काम से संबंधित बातों में दिन की शुरुआत में उत्साह नजर आएगा, लेकिन दिन के अंत तक आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, पार्टनर आपसे सामंजस्य से निर्णय लेने के लिए कोशिश करेंगे। कमर दर्द से संबंधित तकलीफ को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। प्रदर्शन कला से जुड़े निर्देशकों के लिए बढ़िया मौका आ सकता है। फिल्म निर्माताओं के लिए धीरज रखने का समय है, आलस की भी अधिकता रह सकती है। सावधानियां, इस समय निवेश संबंधित अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अनुकूल नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। बिना किसी कारण के मन में कुछ उदासी जैसी भावना भी रहेगी। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को जरूरतों का ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह आपके प्रेम की इच्छाओं को जगा रहा है और आपके लड़ने की भावना और आपका विश्वास आपको अपने साथी के साथ या आपके साथी के पास ले जा रहा है। आपके रिश्ते में प्रेम के भाव उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे चाय में चीनी की मिठास। आप अपने प्रेम या रोमांस में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। संगीत को महसूस करें, सब कुछ उज्जवल और रंगीन है, समय अनुकूल है। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इससे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यवसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा।
कार्य क्षेत्र में गतिविधियां सामान्य रहेगी। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। इस समय आर्थिक मंदी रह सकती है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों का समाज के प्रति उचित सहयोग भी रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपको स्वास्थ्य संबंधित छोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य आंशिक रूप से प्रभावित होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ठंड, सामान्य खांसी आदि हो सकती है। मास्क जलाते हुए भी सावधान रहें। थोड़े से सावधान रहने भर से आप खुद को काफी परेशानियों से बचा सकते हैं। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।